ये दो बिंदी जे इन मत रोक जो नहीं तो बेक हो जाए इन रोक होने से अरे इन है इन है। छात्र छात्राओं एक बार फिर से महाराजा सूरतमल पीजी महाविद्यालय की ऑनलाइन डिजिटल क्लास में फिर से आपका एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। इसमें अपने जो ऑनलाइन डिजिटल क्लास में अपने जो बी ए पार्ट सेकेंड संसाधन भूगोल एंड रिसोर्स एंड ज्योग्राफी इसमें अपने पढ़ रहे थे, इससे पहले अपने काफी चीजों का अध्ययन किया, तो अब आज अपना जो टॉपिक है वो है खनिज संसाधन यानी मिनरल रिसोर्सेज। मिनरल रिसोर्सेज खनिज संसाधन, अब इसका अपने सबसे पहले अपने खनिज संसाधन पढ़ रहे हैं, तो खनिज संसाधन की दृष्टि से देखा जाए तो भारत एक बहुत ही महत्वपूर्ण राज्य माना जाता है, खनिजों की दृष्टि से एक अजायब घर कहा जाता है भारत को। और भारत में विशेष रूप से अपने बात करें तो राजस्थान को खनिजों का अजायब घर के नाम से पुकारा जाता है, जो बिल्कुल सत्य है। अब इसमें अपने सबसे पहले जैसे खनिजों को अपने जो टॉपिक तैयार करने जा रहे हैं, तो इसमें अपने सबसे पहले समझने की बात यह कि खनिजों का खनिज संसाधन का अर्थ क्या होता है, यानी किसको अपने खनिज संसाधन कहते हैं। तो सामान्य शब्दों में सभी पदार्थ, सामान्य शब्दों में सभी पदार्थ जो खनन द्वारा प्राप्त किए जाते हैं उसे क्या कहते हैं, खनिज कहते हैं। लिख देते हैं सामान्य शब्दों में, सामान्य शब्दों में, सामान्य शब्दों में सभी पदार्थ जो सभी पदार्थ जो खनन द्वारा प्राप्त किए जाते हैं, जो खनन द्वारा प्राप्त किए जाते हैं उन्हें खनिज कहा जाता है। खनिज कहा जाता है यानी सीधा सा अर्थ है कि सामान्य शब्दों में, सामान्य शब्दों में सभी पदार्थ, सामान्य शब्दों में सभी पदार्थ जो खनन द्वारा प्राप्त किए जाते हैं उन्हें खनिज कहा जाता है। खनिज जैसे कोयला, इनको अपने क्या कहा जाता है, धातु अयस्क इत्यादि। अब वैज्ञानिक भाषा में बात करें यानी ज्योग्राफिकल भाषा में बात करें, वैज्ञानिक भाषा में देखें इसको किसको खनिज को, तो वैज्ञानिक भाषा में यानी वैज्ञानिक शब्दावली में खनिज का तात्पर्य एक ऐसे अजीव, एक ऐसे अजैविक या अजैविक
पदार्थ से है, पदार्थ से है जो एक विशिष्ट जो एक विशिष्ट रासायनिक विशिष्ट रासायनिक संघटक रखता हो, विशिष्ट रासायनिक संगठन रखता हो तथा उसके कणों के मिश्रण से शैल रचना होती हो तथा उसके कणों से शैल रचना होती हो शैल रचना होती हो। सामान्यतः सभी खनिज रवेदार होते हैं, कुछ खनिज, अब इसमें बात समझने के लिए है कि सामान्यतः खनिज यानी सामान्यतः खनिज यानी सामान्यतः सभी खनिज रवेदार होते हैं क्योंकि उसमें रवे पाए जाते हैं। रवे क्यों पाए जाते हैं? बेसिकल अपने इस चीज को ध्यान में रखते हैं, रखते हुए इसका यदि विभाजन करें, इसका विश्लेषण करें, रवे उसमें होंगे कि जो जीव जंतु तथा वनस्पति के माध्यम से कई वर्षों से वो पड़े हुए रहते हैं इसमें पृथ्वी के आंतरिक संरचना में और पड़ने के पश्चात वो सड़ जाते हैं, गल जाते हैं, उनसे जो अपने को प्राप्त हो रहा है वो क्या होता है? रवे फॉसिल्स, जिसको अपने रवों को क्या बोलते हैं? फॉसिल्स, वो अपने को प्राप्त हो रहे हैं। इसलिए ज्यादातर खनिजों में रवेदार होती हैं, कुछ खनिज एक ही तत्व से निर्मित होती है, यानी कुछ ऐसी भी खनिज होती हैं जो एक ही तत्व से निर्मित होती हैं, जैसे जैसे हीरा है, कार्बन एक ही तत्व से निर्मित करे, एक ही तत्व से निर्मित खनिज, जैसे हीरा कार्बन, ये दोनों क्या है? एक ही तत्व से निर्मित खनिज है। अब इसके अलावा जैसे अपने बात करें, किसी न किसी एक ही तत्व से निर्मित जैसे हीरा है, कार्बन आदि, परंतु अधिकांश खनिज दो तत्वों से मिलकर बने होते हैं, परंतु अधिकांश खनिज दो तत्वों से मिलकर निर्माण होता है। उनमें जैसे दो तत्व वाले खनिज जैसे लोहे और सल्फर आदि के पायराइट, लोहे और सल्फर आदि के पायराइट का निर्माण होता है। अब मानव और खनिज संसाधन अपने बात करें, मानव का भविष्य क्या? तात्कालिक मानव और खनिज संसाधन, तो जो मानव और खनिज संसाधन है, ये मानव और खनिज संसाधन कहीं ना कहीं खनिज पदार्थ संसार के सबसे अधिक मूल्यवान संसाधन माने जाते हैं।
यानी खनिज पदार्थ संसार के सबसे मूल्यवान संसाधनों में से एक है, किसी न किसी रूप में वे मनुष्य के लिए परम आवश्यक होते हैं। यानी खनिज किसी न किसी रूप में मनुष्य के लिए क्या होते हैं, परम आवश्यक होते हैं। जैसे नमक, आयोडीन जैसे खनिज पदार्थ, जैसे नमक है, आयोडीन है, नमक व आयोडीन, ये मनुष्य के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण नहीं माना जाता है। यदि ये दोनों नहीं हो तो मनुष्य के जो दिनचर्या है उसमें काफी दिन उसको क्या करता है, प्रभावित करता है। तो इसमें आपने लिखने के लिए खनिज संसाधन का अर्थ सामान्य शब्दों में सभी पदार्थ जो खनिज द्वारा प्राप्त किए जाते हैं उन्हें खनिज कहा जाता है। जैसे कोयला, पेट्रोलियम, धात्विक अयस्क इत्यादि। अब वैज्ञानिक भाषा में यदि हम अपने बात करें तो ऐसे एक ऐसे अजैविक पदार्थ से है जो एक विशिष्ट रासायनिक संघटन रखता हो तथा उसके कणों से शैल रचना होती हो, एक ही तत्व से निर्मित खनिज जैसे हीरा है, कार्बन है, परंतु अधिकांश खनिज या दो तत्वों से मिलने वाले से मिलकर निर्माण होता है, जैसे लोहा है, सल्फर है, सल्फर के पायरेट का निर्माण आदि। अब ये हो गए, इसके बाद में हमें बात करते हैं मानव और खनिज संसाधन। तो खनिज पदार्थ संसार के सबसे अधिक मूल्यवान संसाधनों में से एक संसाधन है, ये किसी न किसी रूप में मनुष्य के लिए परम आवश्यक है। नमक, आयोडीन, फ्लोराइड यानी फ्लोरो फ्लोरिन जैसे खनिज। अब है खनिज के भेद और उनका उपयोग, खनिजों के भेद और उनका उपयोग। उपयोग या प्रयोग, खनिज के भेद और उनके उपयोग या प्रयोग। अब सबसे पहले हमने ये देखते हैं कि खनिजों के भेद और उनके उनका उपयोग या प्रयोग, इनको मुख्य तीन भागों में बांटा गया है। इनको तीन भागों में बांटा गया है। ये तीन भाग निम्न है, यानी तीन भाग इस प्रकार है। पहला है अधात्विक खनिज, धात्विक खनिज और धात्विक खनिज हो गया और शक्ति के साधन। पहला है धात्विक खनिज, अधात्विक खनिज और ऊर्जा खनिज। फर्स्ट है अधात्विक
तात्विक ऊर्जा खनिज, ऊर्जा खनिज। अब इसमें जो धात्विक खनिज है वो धात्विक खनिज मुख्य रूप से धात्विक खनिज में अपने नमक है, अदरक है, नमक अदरक गंदा अदरक नमक हो गई, अदरक हो गया, गंदा हो गया, चूना जिप्सम ये कौन से खनिजों में आते हैं? ये होते हैं अधातु खनिज जिसमें धातु नहीं पाया जाता, केवल उसमें पाया जाता है जैसे नमक अदरक गंधक चूना जिप्सम एस्बेस्टस वगैरह। ये कौन से हो गए? अधातु खनिज। अब धात्विक खनिजों की बात करें, धात्विक खनिजों की बात करें तो उसमें लोहा मैंगनीज लोहा हो गया, मैग्नीज हो गया, और मैग्नीज के बाद क्रोमियम तांबा, तांबा के नाम से है बॉक्साइट जस्ता सीसा रांगा सीसा रांगा सीसा रांगा सोना चांदी प्लेटिनम सोना चांदी प्लेटिनम इत्यादि। यानी धात्विक खनिजों में लोहा है, मैंगनीज है, क्रोमियम है, तांबा है, बॉक्साइट है, जस्ता है, सीसा है, रांगा है, सोना चांदी व प्लेटिनम। अब ऊर्जा खनिज में अपने ऊर्जा खनिज की बात करें तो उसमें कोयला खनिज तेल खनिज पेट्रोलियम पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस प्राकृतिक गैस और प्राकृतिक गैस के अलावा यूरेनियम और थोरियम यूरेनियम थोरियम इत्यादि। यानी ये हो गया खनिज के भेद और उनके उपयोग या उपयोग के अनुसार इनको कितने भागों में, तीन भागों में बांटा गया है। एक से तीन भाग है, वो तीन भाग में पहला है अधातु खनिज जिसके अंतर्गत नमक का अध्ययन करते हैं, अदरक का अध्ययन करते हैं, गंधक का, चूना चूना जिप्सम एस्बेस्टस
खनिजों का भेद, इसमें क्वेश्चन ऐसे आ सकता है यानी खनिजों को कितने प्रकार से कितने भागों में बांटा गया है प्रत्येक का नाम लिखते हुए किसी एक खनिज का वर्णन कीजिए, एक खनिज का वर्णन कीजिए। अब इसमें काफी है कि क्वेश्चन आता है 15 नंबर, तो 15 नंबर में यदि आप ऐसे इसको सबसे पहले खनिजों का अर्थ दे सकते हैं, फिर उनका प्रकार दे सकते हैं, प्रकार देने के पश्चात जैसे पर्टिकुलर किसी भी खनिज का वर्णन कर सकते। अब आपने जैसे एडाप्टिव खनिजों को पकड़ते हैं तो इन खनिजों की तीन श्रेणियां होती हैं, जो एडाप्टिव खनिज है इनकी तीन श्रेणियां होती हैं, एडाप्टिव खनिजों की तीन श्रेणियां होती हैं। ये तीन श्रेणियां होती हैं। फर्स्ट है वास्तु सामग्री अथवा सीमार बनाने का सामान, फर्स्ट है वास्तु सामग्री अथवा इमारत बनाने का सामान, ये फर्स्ट होगी। इसके बाद में है दूसरी है खनिज रसायन, खनिज रसायन किया जाता है, यानी किसके काम में दिया जाता है,
यानी सड़क बनाने के काम में लिया जाता है, जिससे कंक्रीट प्लास्टर में मकान की छतों और फर्शों में भी तथा अन्य छोटे छोटे कामों में इसका क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। ये ग्लेशियर के मोरेन क्षेत्रों जैसे समुद्री तटों, झील तटों और नदी वेदिकाओं से क्या होते हैं, प्राप्त किए जाते हैं। यानी बजरी किससे प्राप्त की जाती है, जो नदियों की, नदियों के द्वारा जो मिट्टी आती है वो क्या होती है, बजरी होती है। चिकनी मिट्टी के से मकान बनाने की ईंट, जो चिकनी मिट्टी होती है उनसे ईंट बनाई जाती है। मिट्टी के बर्तन बनाए जाते हैं, पोर्सिलेन के पात्र बनाए जाते हैं, काकरी आदि का निर्माण होता है। चूना पत्थर या चूना सेल, यानी चूना पत्थर या चूना सेल को फोक पीसकर सीमेंट तैयार किया जाता है। क्या किया जाता है, सीमेंट तैयार किया जाता है। इससे विशाल इमारतें बांध, इससे विशाल इमारतें बांध, पुल, सड़कें, नालियां और छतों की चादरों का भी क्या किया जाता है, निर्माण किया जाता है। इससे बजरी से अब है खनिज रसायन और उनका उपयोग या प्रयोग। सेकेंड, खनिज रसायन उनका उपयोग व प्रयोग। तो खनिज रसायनों में अपने बात करते हैं, खानों या खदानों से प्राप्त होने वाले खनिज रसायनों में नमक मुख्य माना जाता है। नमक होता है वो क्या माना जाता है, मुख्य माना जाता है, नमक मुख्य माना जाता है। इसके अलावा जैसे गंधक है, अभ्रक है, चूना है, जिप्सम है, एस्बेस्टस और भी काफी उर्वरक है। अब है नमक या लवण, नमक या लवण। तो नमक मुख्य रूप से एक तो समुद्री जल से प्राप्त किया जाता है, एक मरुस्थल में प्राप्त किया जाता है और एक चट्टानों से प्राप्त किया जाता है। यानी नमक मुख्यतः दो तीन प्रावधानों से प्राप्त किया जा सकता है, पहला समुद्र से, दूसरा मरुस्थल से और तीसरा चट्टानों से। जो मरुस्थल नमक की बात करें तो मरुस्थल नमक के उत्पादन में राजस्थान का भी काफी अहम सहयोग है, क्योंकि जो पंचमद्रा है, लोन करंसर है, ये सारे किस्से इसी से प्राप्त किए जाते हैं। अब इसके अलावा गंधक, अभ्रक, चूना, जिप्सम, एस्बेस्टस आदि उर्वरक हैं। नमक का जो नमक के लवण है, जिसमें नमक सब समुद्री जल से, मरुस्थलीय झीलों से, चट्टानों से निकाला जाता है। भारत में मालाबार तट और राजस्थान की शाम पर पंचमद्रा और झीलों से नमक प्राप्त होता है, जैसे हिमाचल प्रदेश। अब हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में नमक की चट्टानों से भी नमक निकाला जाता है और यह घरेलू भोजन के अलावा साबुन बनाने, कागज के निर्माण, ब्लीचिंग करने, जल शोधन करना, चमड़ा रंगने में, मिट्टी के पात्र बनाने में, कांच का उद्योग, वस्त्र उद्योग, रंग उद्योग और इस्पात उद्योग में भी इसका प्रयोग किया जाता है। यानी जो नमक है, इस नमक के भोजन के अलावा साबुन बनाने में, कागज के कारखानों में, ब्लीचिंग करने, जल शोधन, चमड़ा रंगने, मिट्टी के पात्र, कागज उद्योग, वस्त्र उद्योग, रंग उद्योग और इस्पात उद्योग में भी इसका प्रयुक्त होता है। यह है नमक, यह है खनिज। अब इन खनिजों में अपने बात करें तो सबसे पहले अपने अभ्रक के, जो अभ्रक है, यह अभ्रक है, इस अभ्रक का अध्ययन कर लेते हैं। इसका अभ्रक, तो अभ्रक में मुख्य रूप से अभ्रक एक पारदर्शी प्रद्दा और लचकदार, अभ्रक एक पारदर्शी
सी लचकता व पारदर्शी लचकदार परत का कलेश है व परत का कलेश है, यानी इसमें कई गुण पाए जाते हैं, पारदर्शी भी होती है, लचकदार भी होती है और परतदार भी होती है, कलेश है जिसमें जो सिलिकेट प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है ये चमकदार होता है। इसके विशाल भंडार भारत में पाए जाते हैं, यानी अमृत के जितने भी विशाल भंडार हैं वो कहाँ पाए जाते हैं, केवल भारत में ही स्थित है। विज्ञान और टेक्नोलॉजी के विकास के साथ साथ अमृत के नए नए प्रयोग सामने आते जा रहे हैं। यह विद्युत रोधी और उच्च ताप सह होती है, यानी इसमें अवरक्त की बनाई हुई जितने भी पर्त है उसमें विद्युत रिटर्न नहीं करते, विद्युत नहीं रोकते, करंट नहीं लगता, इसलिए ये विद्युत की कुचालक मानी जाती है। अब अवरक्त की जो किस्में होती हैं उनकी अपना चर्चा करें तो अवरक्त की जो किस्में हैं, अवरक्त में लोहा आदि दूसरे मिश्रण के कारण रंग परिवर्तन हो जाता है। रंगों के आधार पर अवरक्त की कई किस्में होती हैं, जिसमें तीन किस्में मुख्य हैं। श्वेत अवरक्त, यानी पहली है कौन सी, श्वेत अवरक्त, जिसको मस्को वाइट कहा जाता है, श्वेत अवरक्त जिसे मस्को वाइट कहते हैं, मस्को वाइट। दूसरी है श्वेत के बाद में पित्त अवरक्त, पित्त अवरक्त जिसे पित्त अवरक्त को फ्लोगोपाइट कहा जाता है, फ्लोगो पित्त कहा जाता है। और थर्ड है श्याम अवरक्त, श्याम अवरक्त जिसे बायोटाइट कहा जाता है, बायोटाइट कहा जाता है। ये अवरक्त की किस्म हो गई, तीन किस्म हो गई, मस्कोवाइट, फ्लोगोपाइट और बायोटाइट। अवरक्त का जो प्रयोग है, ये अवरक्त का मुख्य प्रयोग अवरक्त बिजली का स्रोत स्तंभ रोधी मानी जाती है। मैंने पहले ही बता दिया कि अवरक्त बिजली का स्रोत रोधी है, अर्थात इसके अंदर बिजली की धारा नहीं बहती या नहीं जाती, अतः इसका प्रयोग विद्युत उत्पादन शक्ति ध्रुवों में, कंडेंसरों में, बेतार के तारों में, टेलीग्राही में, रेडियो में, ट्रांजिस्टरों में, टेलीफोन में, वायुयानों की खिड़की बनाने में इसका क्या किया जाता है, बहुत प्रयोग किया जाता है। और इसके अलावा जैसे मेडिसिन है, दवाइयों में भी इसका क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। और भूमि को उपजाऊपन बनाने में भी इसका यूज लिया जाता है, जैसे खाद, जैसे फर्टिलाइजर्स में है, फर्टिलाइजर्स में भी इसका उपयोग किया जाता है। तो ये अवरक्त की किस्म हो गई, अवरक्त का उपयोग हो गया, इसका महत्व हो गया और इसके प्रकार हो गए, ये है अवरक्त का। अब आगे अपने दूसरी खनिजों का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।